नाइट्रोजन साइकिल में पहला स्टेप जो है वो एमिनिफिकेशन का है. एमिनिफिकेशन मींस जिस वक्त प्लांट और एनिमल्स जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में जो है वो इंटैक्ट है, वो जो है वो अगेन एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी. उसके लिए जो है वो माइक्रोबियल एक्शन इम्पॉर्टेंट है. माइक्रोब्स जो है इन डेड प्लांट और जो है वो एनिमल मटीरियल को डीकम्पोज करेंगे और जो है वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स में से ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है बैक टू द एनवायरनमेंट होगी. इधर वो जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए, वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाए, वो जो है सॉइल के अंदर अवेलेबल हो. लेकिन ये जो है अगेन नाइट्रोजन दोबारा जो है वो रिसाइकलिंग के लिए दोबारा जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है वो अवेलेबल है. नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको कि हम डिफरेंट हम पढ़ के आ रहे हैं कि 15 नॉन जेनरा के जो है वो बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. इम्यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है इसमें डीकम्पोजर्स इम्पॉर्टेंट है, फंजाई है, एल्जी है, दीज आर नोन एज डीकम्पोजर्स. ये मे बी एरोबिक है या एनएरोबिक है, मीन्स इनको बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है अपनी जो है वो ग्रोथ के लिए. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर काम करते हैं. और फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये मेन डीकम्पोजर्स हैं डेड एनिमल और प्लांट्स के लिए, और जो है वो उसकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को जो है वो एम्यूनिफिकेशन के थ्रू मीन्स ब्रेक डाउन के थ्रू जो है अमोनियम या अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. ये अमोनिया या अमोनियम जो है अगेन एक नाइट्रोजन की फॉर्म है जो कि नेक्स्ट जो है वो स्टेप के लिए अवेलेबल है. नेक्स्ट स्टेप दैट इज नाइट्रिफिकेशन. इस नाइट्रिफिकेशन के लिए अगेन जो है वो माइक्रोब्स सबसे इम्पॉर्टेंट है. नाइट्रोसोम बैक्टीरियम जो है वो अमोनियम को जो है वो नाइट्राइट के अंदर चेंज कर रहा है. इस नाइट्राइट को जो है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट के अंदर जो है वो चेंज कर रहा है. दैट इज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. यहाँ पे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, यहाँ पे नाइट्रोसोम है, नाइट्रोबैक्टर है, ये जो है वो नाइट्रेट को जो है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स में जो है नाइट्रेट्स में चेंज कर रहे हैं. ये नाइट्रेट्स जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल है, मीन्स के जो नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ इधर अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स जो है वो प्लांट अपटेक करेगा. उसके सेल्स का वो पार्ट बनेंगे, उसके प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बनेंगे, टिश्यूज का पार्ट बनेंगे, और जो है उसकी ग्रोथ में, उसकी रिप्रोडक्शन में जो है वो उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होंगे. यही प्लांट जब ग्रो होंगे तो कंज्यूमर्स जो हैं वो इनको कंज्यूम करेंगे. इस तरह नाइट्रोजन एक लेवल से प्रोड्यूसर से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जो है वो ट्रांसफर होगा.